नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के दरमियान सड़क सुरक्षा, ग्राम विकास, किसान, स्वास्थ्य कल्याण तथा गरीबों को आवास दिलाने का कार्य देश में केंद्र की सरकार एवं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किया गया। इसका पत्र लेकर आज हम कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिक्स लगाकर बूथ संख्या 66 एवं 67 पर निवास कर रहे लगभग 180 परिवारों के बीच आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र वितरण किया गया। साथ ही कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दरमियान लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश निरंतर वितरण करने का अपील भी किया एवं लगाने का भी अपील किया और उन परिवारों को धन्यवाद साधुवाद दिया, क्योंकि आज वो पूर्व मोहम्मद की सरकार जनता के बदौलत है, इसलिए उनका सम्मान करना, आदर करना हम कार्यकर्ताओं एवं हमारे देश के नेताओं मंत्रियों का कर्तव्य बनता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, बाजिमो जिला उपाध्यक्ष गोविंद केसरी, बूथ अध्यक्ष रोहित जायसवाल, आकाश केसरी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। चंदौली से हमारे संवाददाता रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम गोविंद केसरी है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। क्या आपके माध्यम से कुछ पत्र वगैरह सैनिटाइजर जो है कि बांटे जा रहे थे कुछ नगर में, क्या है मामला पूरा? ये है परिवार संपर्क अभियान के पार्टी का कार्यक्रम जी, तो हम सभी इसे 67 और 66 नंबर बूथ सभी परिवार के घर घर जाकर संपर्क करना, अभियान बताना, मोदी इसी साल का योजना बताना चाहता हूँ, जिसमें आप धारा 370 जैसे ऐतिहासिक सरकार ने लोगों को जागरूक आप किए, सबको जागरूक किए कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने के लिए, सोशल